आज ये मैंने पनीर की सब्जी बनाई है। बहुत ही घर के जो मसाले हैं, बेसिक आइटम है, बेसिक सामान है जो घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। और यकीन मानिए, बच्चों ने खाया और बोला, मम्मी आज क्या बाहर से सब्जी मंगवाई है क्या? बिल्कुल ऐसे लगी नहीं रही थी कि घर में सब्जी बनाई है। घर में सब्जियां जो बनती है वो बहुत ही नॉर्मल और बेसिक मसालों से बनती है। केवल मसालों का और उसका टाइमिंग होता है कि आप किस समय पर क्या डाल रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ब्लॉग पूरा देखें और आप भी अपने बच्चों को और अपने जो परिवार है उनको इसी तरीके से खुश करते रहिए। और ना ढाबा पे जाइए और ना रेस्टोरेंट पे जाइए, और घर में ही इस तरीके से बना के और अपने बच्चों को और अपने परिवार को खिलाइए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर की सब्ज़ी बनाना। तो मेरी ये क्लिप छूट गई थी। मैंने इसमें चार प्याज लिए हैं और एक शिमला मिर्च ली है जो कि डाइस की शेप में मैंने उसको काट के, और सरसों के तेल में मैंने शैलो फ्राई करने के लिए मैंने इसको चढ़ा दिया था। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्याज हैं और उसको मैंने शैलो फ्राई कर लिया है। ये बस इसी स्टेज तक इनको पकाना है, और हमको सारे जो प्याज हैं हमारा तेल को निथारते हुए झर से, और हमको सारा जो प्याज है वो इसमें से बाहर निकाल लेंगे। और एक करछी की सहायता से जो हमारी जो पूड़ी तलने की जो होती है या झर होती है, आप कुछ भी ले सकते हैं जिससे कि हमारा तेल निचुड़ जाए पूरा। तो हम जो पनीर और जो शिमला मिर्च और जो हमने प्याज फ्राई किया है वो सारा हम इसमें से निकाल लेंगे कढ़ाई में से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। और अगर आप चाहें तो इसी तेल में हम पनीर कर लेंगे फ्राई थोड़ा थोड़ा। मैंने चार आदमियों का खाना बना रही हूँ मैं, तो मैंने लगभग 250 ग्राम पनीर लिया है। तो उस पनीर को मैंने थोड़ी देर के लिए पानी निकालने के लिए मैंने साइड में रख दिया था तिरछा करके, जिससे कि पनीर का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो मैंने इसमें ये थोड़ा सरसों का तेल और डाल दिया है। मैं खाने में सरसों का तेल डालती हूँ दोस्तों। तो इस तरीके से ये जब तेल गर्म होगा उतनी ही देर में जो मैंने पनीर को साइड में रख दिया था पानी निकालने के लिए, क्योंकि जो ये पनीर है पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है अपने अंदर। तो जैसे अगर हम तेल में डालेंगे पनीर को तो पानी है वो छींटे लगेगा उसके, और पूरे में हमको नुकसान भी हो सकता है और पूरी गैस वगैरह सब ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने रेक्टेंगल शेप में, शेप कुछ भी हो सकती है पनीर की, आपकी चॉइस है, आप छोटे काटें बड़े काटें। और ये देखिए मैंने रेक्टेंगल में काटे हैं, तो इस तरीके से। और बस ये देखना है कि तेल में डालने से पहले हमारा पनीर का पानी ऑलमोस्ट निकल चुका हो। आप चाहें तो हल्का सा इसको हथेली में बीच में रख के और हल्का सा प्रेस कर सकते हैं। अब तेल हमारा गर्म है, तो अब आप देखिएगा मैं जो पनीर है उसको भी मैं किस तरीके से कढ़ाई में डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से साइड में लेके और पनीर को छोड़ना है ताकि तेल का छींटा हमारे हाथ पे हमारे मुँह पे एकदम से ना आ जाए। कितना भी आप बचा कर लीजिए, पनीर में पानी होता ही है। तो इसको और गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और इसको धीमा धीमा हम इसको पनीर को भी तैयार कर लेंगे। और पनीर क्या है कि तैयार कर अगर पनीर को हम फ्राई कर लेते हैं तो इससे सब्ज़ी थोड़ा टेस्टी बन जाती है। और ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है दोस्तों, कई लोग कच्चा पनीर भी डाल देते हैं कि ग्रेवी बनाई और उसमें कच्चा पनीर डाल देते हैं, वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने उस तरीके से भी मैंने सब्ज़ी बना के मेरे ब्लॉग पर डाल रखी है, और मैंने आज ये फ्राई करके भी मैं बना रही हूँ। तो पहले मैंने प्याज फ्राई कर लिए थे और हमने पनीर भी फ्राई करें। अब मैं ग्रेवी बनाऊंगी, तो ग्रेवी के लिए मैंने दो टमाटर ले लिए, चार से पांच हरी मिर्च ले ली, एक अदरक का टुकड़ा ले लिया, और मैंने 15 से 20 काजू ले लिए हैं। तो हम इसकी प्याज की ग्रेवी बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने तैयार करके रखी है। इस ग्रेवी में पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, जो टमाटर में ही इतना लिक्विड हो जाता है कि हमारा जो प्याज, हमारा जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और ये जो काजू है पूरा अच्छे से पिस जाएगा। पेस्ट को एकदम बारीक, बिल्कुल बारीक कर लेना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से ये मेरी मिर्ची ख़त्म हो गई थी बीच में ही, तो मैंने मिर्ची डाली है मैंने। और ये देखिए आपकी मिर्ची ख़राब नहीं होगी, आपका जो फॉइल पेपर है वो ढक्कन पे लगा दीजिए मिर्ची की ऊपर, तो आपकी मिर्ची ख़राब नहीं होगी और कीड़े भी नहीं होंगे। अब साइड में हमारा पनीर तैयार हो गया है। देखो इस स्टेज तक हमको पनीर तैयार करना है, तो हम इसको साइड में लेके पूरा पानी, पनीर का जो तेल है वो साइड में निकाल के साइड में करते हुए निकाल लेंगे। कोशिश करिए कि पनीर के साथ तेल ना आए,
तो हमारा पनीर तैयार है, उधर हमारा प्याज तैयार है और अब हमारा उधर पेस्ट भी तैयार है। तो अब हमारा अब आ गई है बारी पनीर को, पनीर की सब्जी बनाने की दोस्तों। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। ये देखिए एक चुटकी भर हींग डाला है। ये हींग मैंने हाथरस का हींग है जो यूपी में है दोस्तों, वहाँ से बहुत ही बढ़िया हींग आता है। तो और अब इसमें मैंने जीरा डाल दिया, और जीरा डाल के और जो हमारी ग्रेवी है वो हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे, जीरा और हींग पकने देंगे। और गैस का फ्लेम इस स्टेज पर बहुत मीडियम ही रखना है, बहुत ना तेज होनी चाहिए गैस हमारी और ना हमारी गैस मीडियम स्लो होनी चाहिए, मीडियम गैस रहेगी। और अच्छी तरह से हम अपने जीरे को भूनने देंगे। अब जो हमने पेस्ट बना रखा था वो सारा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। ये देखें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट है, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट है, वो सारा पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। तेल की मात्रा, ये सब्ज़ी घी में भी बन जाती है दोस्तों, लेकिन घी की सब्ज़ी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है दोस्तों। तो ये मैं सारी सब्ज़ियाँ ऐसे जनरली सारी सब्ज़ियाँ मैं तेल में ही बनाती हूँ, तेल की भी सब्ज़ियाँ बहुत टेस्टी बनती है। अब आप इसमें देखेगा कि मेरे जितने भी मसाले होंगे सारे बेसिक मसाले होंगे, कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। बस मैंने इसमें आज डाले हैं काजू, काजू आपकी चॉइस है, अगर आपके पास में अवेलेबल है इजीली तो काजू डाल सकते हैं। 8 से 10 काजू होंगे तो भी बहुत है, और अगर ज़्यादा हैं काजू तो डाल सकते हैं। मेरे पास में रखे हुए थे, मैंने डाल दिए, वरना अगर काजू नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें काजू डालें। तो ये देखिए धीरे धीरे इसमें हमारा जो ये पेस्ट है वो पक रहा है। अब इसमें एक काम करना है कि मैंने इसमें 2 चम्मच भर के घर में से निकाली, दूध में से निकाली हुई ताज़ा मलाई है वो मैंने इसमें डाल दी है। हमारा जो पनीर है बहुत ही टेस्टी बनेगा इससे, पनीर की सब्ज़ी में अगर मलाई है डाल दीजिए, और अगर मावा है आपके पास में जो जिसे खोया भी बोलते हैं वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास में मलाई है घर में, अभी खोया नहीं था। तो ये देखिए मैंने मलाई डाल दी, जो मलाई में भी चिकनाई होती है वो भी चिकनाई सब्ज़ी में आ जाएगी, और इससे सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनती है। आप किसी भी जितनी भी ग्रेवी की सब्ज़ियाँ बनाते हैं दोस्तों उसमें आप मलाई डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। और हाँ, अगर आपकी सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाता है तो भी आप मलाई डाल दीजिए। तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी है, स्वाद अनुसार डाले मसाले जो इतना आपके घर में खाया जाता है। 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च डाल दी है, 1.5 चम्मच मैंने धनिया डाला है। लाल मिर्च देख के डालें क्योंकि हमने 4 से 5 मिर्च, हरी मिर्च मैंने पेस्ट में भी पीस ली थी, तो उधर वो मिर्ची का भी ध्यान रखना है। और लाल मिर्च आपकी तीखी है या मीडियम है वो भी हम तरीके से डालेंगे कि आपके घर में किस तरीके का मसाला खाया जाता है। अब जो मैंने जो पेस्ट इसमें डाला था तो जार में थोड़ा बहुत बच जाता है पेस्ट, तो वो मैंने जब कढ़ाई में तेल छोड़ दिया तो मैंने उस जार को थोड़ा सा पानी से खंगालते हुए धोते हुए मैंने उसका जो आजू बाजू का जो पेस्ट लगा रह गया था वो पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है। अभी आपने देखा मैंने डाला है, तो सारा मसाला इसमें मैंने डाला है, नमक, हल्दी और धनिया। तो दोस्तों अभी नमक नहीं डाला मैंने, इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम ग्रेवी की सब्ज़ी बनाएं नमक सबसे लास्ट में डालें, वरना नमक डालने से हमारी सब्ज़ी फट जाती है, क्योंकि हम मलाई वगैरह डालते हैं इसमें तो हमारी जो ग्रेवी है वो फट जाती है। तो नमक हमेशा लास्ट में डालें। तो ये देखें धीरे धीरे हमारी जो ग्रेवी है वो तेल छोड़ रही है। अब यहाँ पर जब जैसे ही हमने जार का पानी डाला, वो पानी डालते ही और बबल्स आने लगे और पूरी ऊपर तक छींटे उछलने लगे, तो मैंने 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया ताकि मसाला भी सारा इसी में रहे और इसकी जो खुशबू है मसाले की वो ग्रेवी में आ जाती है। जैसे जैसे मसाले भुनते हैं तो ग्रेवी में आ जाते हैं, तो मैंने इसको ढक्कन लगा दिया, इससे हमारी गैस भी ख़राब नहीं होगी और मसाले का फ्लेवर है वो भी ग्रेवी में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अच्छा, इसमें मैंने लहसुन नहीं डाला है, केवल मैंने प्याज और इसकी डाली है, मैंने टमाटर की ही ग्रेवी डाली है, काजू डाले हैं, चॉइस है आपकी, लहसुन डालना चाहें डाल दीजिए, वही पेस्ट में आप पेस्ट करके डालिएगा जो भी लहसुन वगैरह डालें। ये देखिए मैंने देखा 1 सेकंड के लिए उगाड़ के, तेल काफ़ी अच्छे से मात्रा में निकल गया है, ये देख सकते हैं इतना सुंदर कलर आया है दोस्तों, पूरा तेल ऊपर आ गया है और बहुत ही
देखें बहुत ज़्यादा तेल मैंने नहीं डाला था, थोड़ा सा, हाँ वैसे तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन ये देखिए जो मैंने मलाई डाली थी इस वजह से इसमें चिकनाहट और ज़्यादा अच्छी आ गई। तो मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दिया। अब जब मसाला पक गया है, तेल मसाले ने तेल छोड़ दिया, तो मैंने जो मैंने सबसे पहले प्याज फ्राई किए थे वो डाल दिए और फ्राई किए हुए पूरा पनीर डाल दिया। और इस तरीके से धीरे धीरे हौले हौले मसाले पनीर पे और प्याज पे चढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी जल्दी करछी नहीं चलानी है जिससे कि हमारा प्याज टूट जाए या हमारा पनीर टूट जाए। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हमें हमारी जो चम्मच है उसको उसमें चलानी है और मसाले को उसमें लिपटाना है। अब हमें लगता है ऐसा कि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक है, तो आप उसमें थोड़ा सा 1.5 से 2 चम्मच पानी डाल दीजिए और एक बार और ढक दीजिए। ढकने से ये होगा कि जो पनीर और प्याज में भी पूरा फ्लेवर आ जाएगा। अब मुझे वापस से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ग्रेवी गाढ़ी है, तो मैंने 1.5 से 2 चम्मच फिर दोबारा और पानी डाला। पानी की मात्रा धीरे धीरे डालें, बस इन चीज़ों की थोड़ी सी ट्रिक होती है दोस्तों, कि आप अगर ट्रिक अपना लेंगे तो बेसिक मसालों से इतनी शानदार सब्जियां बनेगी। ये देखिए अब इस जब फाइनली जब हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, सारे मसाले डल चुके हैं, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक स्वाद अनुसार डालें, नमक कम ही रखें सब्जी में। अगर कोई तेज खाना चाहता है तो वह अपना ले लेगा अपने हिसाब से, तो नमक नॉर्मल रखें आपकी सब्ज़ी में। ये देखें, तो अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि थोड़ी पनीर की सब्ज़ी में थिकनेस है, गाढ़ी है सब्ज़ी, तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, वरना थोड़ी सी ये इसी स्टेज की रखनी चाहिए, इतनी ही लिक्विड रखनी चाहिए जो कि हम पूड़ियाँ पराठे से खा लें। अब मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी। कसूरी मेथी से सब्ज़ी का स्वाद दोगुना हो जाता है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है। तो अब हम इसको 2 से लगभग 2 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे वापस, जिससे कि सारा मसाला फ्लेवर सब्जी और कसूरी मेथी का सारा फ्लेवर उसमें आ जाए। जैसे जैसे हमारी सब्ज़ी बनती जा रही है दोस्तों, इतनी खुशबू आ रही थी पूरी किचन में, महक बहुत ही फ्लेवर बहुत अच्छा आया था सारे मसालों का। बहुत एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, बहुत नॉर्मल मसालों से डाला है। घर की निकली हुई मलाई डाल दी और सारा मसाला डाला है। अब एक इस स्टेज में आती है कि इसमें कई लोग सॉस डालते हैं, आपकी चॉइस है, आप इसमें 1 चम्मच सॉस डाल सकते हैं। अगर नहीं है आपकी इच्छा तो ना डालें, और क्योंकि मेरे घर में सॉस ले लेते हैं तो मैंने 1 सॉस डाल दिया था। ये देखे मैं नई मसालदानी लेके आई थी जिसका ढक्कन कांच का है और थोड़ी बड़ी है मेरी मसालदानी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ बीच में ही कि मैंने मसालदानी ली है। दोस्तों कैसी लगी मेरी मसालदानी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब नए बर्तन आते हैं किचन में यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं आप, मेरी सब्ज़ी तैयार हो रही है धीरे धीरे, और ये देखिए पूरी सब्ज़ी का मसाला अच्छे से भुन गई है सब्ज़ी और लिपट गया है पूरा मसाला, और बहुत ही रंगत आई है सब्ज़ी में। सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है दोस्तों परोसने के लिए, आप देख सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इतनी शानदार सब्ज़ी बनी थी, टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो आप भी इस तरीके से सब्ज़ी बना सकते हैं और अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। तो दोस्तों आज ये मैंने पनीर की सब्जी बनाई है। बहुत ही घर के जो मसाले हैं, बेसिक आइटम है, बेसिक सामान है जो घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है, और यकीन मानिए बच्चों ने खाया और बोला मम्मी आज क्या बाहर से सब्जी मंगवाई है क्या, बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रही थी कि घर में सब्जी बनाई है। घर में सब्जियाँ जो बनती है वो बहुत ही नॉर्मल और बेसिक मसालों से बनती है, केवल मसालों का और उसका टाइमिंग होता है कि आप किस समय पर क्या डाल रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ब्लॉग पूरा देखें, और आप भी अपने बच्चों को और अपने जो परिवार है उनको इसी तरीके से खुश करते रहिए, और ना ढाबा पे जाइए और ना रेस्टोरेंट पे जाइए, और घर में ही इस तरीके से बना के और अपने बच्चों को और अपने परिवार को खिलाइए। रुको जरा, सबर करो। सब्जी बनाने के बाद में फिर मैं आज मेरे जो पेड़ पौधे हैं उनके पास आ गई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों, और पेड़ों में दोनों टाइम पानी देने का समय आ गया है। 47 डिग्री टेम्परेचर हो गया है हमारे यहाँ, तो
तो मैंने सारे पेड़ पौधों में एक एक करके पानी इनको गमले में डाला, और उसके बाद में जिन गमलों में थोड़ी बहुत पत्तियाँ, एक्स्ट्रा पत्तियाँ और सूखी पत्तियाँ थी, वो सारी मैंने साइड में कर दी और पेड़ों को अच्छी तरह से नहलाया। पेड़ों में पानी की अभी वैसे पानी की कमी हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो चारों तरफ, तो मैं सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी दे देती हूँ। और आपको लग रहा होगा कि मैं पाइप से पानी दे रही हूँ तो इसका मतलब पानी ज़्यादा वेस्ट होगा, नहीं, मैं बहुत तरीके से और थोड़ा पानी का प्रेशर मैंने कम खोला हुआ है और मैं पानी देना दे रही हूँ। पानी भी देना ज़रूरी है दोस्तों, पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो हरियाली भी चाहिए, और हरियाली चाहिए तो उसको थोड़ा पानी की और उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो समय समय पर मैं इनमें खाद बीज वगैरह भी डाल देती हूँ और इनमें कीटनाशक वगैरह भी डालती हूँ जिससे कि बग वगैरह कोई ना लगे। तो मेरे गुड़हल के पेड़ में बग लग गए थे तो वो मैंने उसमें पानी में 10 लीटर पानी में दवाई लगा के और लगभग सभी पेड़ों में डाल दिया था, तो उससे मेरे पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। कुछ पौधे, कुछ गमले मेरे धूप में भी रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, तो ये पौधे मेरे ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि इनको छाया में रख दूँ। अभी थोड़ा पानी देती हूँ थोड़ा थोड़ा, और पानी देने के बाद में मैंने थोड़ा इनके ऊपर पानी की फुहार भी छोड़ दी थी जिससे कि इनमें ताजगी सी आ जाए और पत्ते थोड़े साफ़ हो जाएँ। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पेड़ पौधे ही नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सारे ही त्रस्त हो रहे हैं दोस्तों। तो पास में ही मेरे घर के सामने पास में ही गार्डन है तो मैं ये पानी देने के बाद में मैंने वहाँ पर पानी के दो जो मिट्टी के कुंडे होते हैं वो कुंडे रख दिए थे, और वहाँ पर एक जो दाने के लिए मैंने एक लटका दिया था, प्लास्टिक की टोकरी मेरे पास पड़ी थी वेस्ट, तो दो तीन टहनी पे मैंने वो टोकरियाँ बांध दी और वहाँ पर बाजरा मैं डाल देती हूँ। तो मेरे को जब मैंने ऐसा किया तो और भी जो हमारे पड़ोस में जो आते हैं और गार्डन में जितने भी लोग आते हैं तो वो लोग, उन्होंने भी दो तीन कटोरे टाइप वो भी ले आए और पक्षियों के लिए वो भी दाना डालने लगे। तो ऐसा लगता है कि कभी तो किसी चीज़ की शुरुआत करें, हम एक से करेंगे तो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे लोग। ऐसा ही हुआ दोस्तों, मैंने दो मिट्टी के कुंडे रखे थे, अब वहाँ पे 6 से 7 कुंडे हो गए हैं मिट्टी के कुंडे इसलिए रखते हैं क्योंकि उनमें पानी ठंडा रहता है और थोड़ा चौड़ाई रहती है उनमें, तो पक्षियों को पीने में एक साथ कई पक्षी पानी पी सकते हैं। और दाने के भी इसी तरीके से दाने के लिए मैंने बांधा वहाँ पर, तो 5-6 पेड़ों पर लोगों ने बांध दिए। मुझे देख के इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों। किसी दिन मैं पार्क में दिखाऊंगी कि मैं कहाँ रख के आई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और जो ये मेरा मनी प्लांट है ये भी, इसके भी पत्ते सारे जल गए तो मैंने इनको थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल दिया मैंने। और ये मेरा चाइनीज़ ट्री है तो चाइना ट्री में भी मैंने, क्रिसमस ट्री है, कोई अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो मैंने उसमें पानी डाल दिया। अब पूरे उसमें पानी डालने के बाद में ये देखिए मेरे कुछ गमलों में धूप ज़्यादा आ रही थी और बहुत ही छोटे प्लांट है तो मैंने सोचा इनको छाया में रख दूँ और इनमें पानी, मैंने बस मेरी गलती हुई कि मैंने पहले इनमें पानी डाल दिया उसके बाद में रख लूँ तो थोड़ा भारी हो गए थे, उठाने में दिक्कत आ रही थी, तो लेकिन मैंने एक एक करके धीरे धीरे पानी से भरे हुए गमले ही मैंने उठा दिए। और पैरों में भी पानी का हो गया था, गीला हो गया था तो गिरने का भी डर होता है, एज जैसे जैसे पड़ रही है दोस्तों तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं स्लिप ना हो जाए पानी से, या वैसे हमको थोड़ा ध्यान देते हुए रहना है। तो सारे गमले मैंने एक एक करके धीरे धीरे सारे छाया में कर दिए। अभी देखिए सुबह के 7:30 बजे हैं लेकिन इतनी ज़्यादा धूप हो गई है, ऐसे लग रहा है कि 10 या 11 बज रहे हैं, लेकिन देखिए सुबह 7:30 बजे हैं, काम करते करते इतना टाइम हो गया। उसके बाद में जो पानी निकला था और जो पेड़ों गमलों के नीचे जो गंदगी निकली थी वो सारी गंदगी मैंने खींच दी, थोड़ा पानी पहले गंदा सारा गंदगी निकाल दी थी और अब मैंने वाइपर से खींच दी। कहाँ कहाँ किस किस ने कैसे कैसे पेड़ लगा रखे हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, तो ये एक लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिल जाता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं मेरे वीडियो में जो कि मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ, जैसे कि आज मैंने पक्षियों के पानी के लिए बांधा। अगर मेरा ये मैसेज सुनकर, मेरा ये काम सुनकर अगर आपको लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए तो दोस्तों आप भी, आपके
आसपास में कोई जगह है आपके घर में बाउंड्री पर भी आप रख सकते हो। पक्षियों का ज़रूर ध्यान रखें। तो पक्षी बेचारे ये हैं कि पहले खुली जगह होती थी वहाँ पे पानी भरा रहता था, कहीं भी होता था तो कुछ पक्षी पानी पी लेते थे। इसी तरीके से जो जानवर हैं, गाय है और जो कुत्ते वगैरह हैं, डॉग्स हैं, डॉग्स भी हम इनका भी हम ध्यान रखते हैं। तो हमने इसमें उनके लिए मैंने रख रखा। ब्लॉग पूरा देखे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पूरा करती हूँ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।